तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर जो सीरीज जो चलती हुई आ रही है, तकरीबन इसमें मूवीज भी आपको 5 देखने को मिल चुकी है, उन सभी के बारे में हम डिटेल बताने जा रहे हैं। इसका एक और नया पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है 2023 के अंदर, जिसका ऑफिशियल रूप से टाइटल देखने को आ रहा है आफ्टर एक तरह से एवरीथिंग, जो कि 2023 में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके मल्टीपल पार्ट्स की बात की जाए तो तकरीबन 4 एक तरह से पार्ट आ चुके हैं। मूवीज के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला पार्ट आपको देखने को मिला था मुख्य रूप से आफ्टर, जो कि 2019 में, इसी के साथ आफ्टर भी कोलाइड। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्ट था ये आपको 2020 में देखने को मिला था, और आफ्टर वी हैप्पी जो कि आपको 2021 में देखने को मिला है, और इसी के साथ आफ्टर हैप्पी के बाद 2022 में आपको इसी के बाद एक और नया सीक्वेंस आपको देखने को मिलने वाला है, जिसका नाम ऑफिशियल रूप से आफ्टर एवरीथिंग रखा गया है, जो कि 2023 में ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिलने वाला है। इतने सीक्वेंस आने के बाद ये नया पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मेनली आज हमारा फोकस आफ्टर सीरीज पर रहेगा। इसके तकरीबन 4 जो एक तरह से पार्ट है उनको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ जो नया पार्ट 2023 में आपको देखने को मिलने वाला है उसके बारे में जितनी भी अपडेट है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं प्री प्रोडक्शन में ये चल रहा है, यानी इसका सारी शूटिंग एक तरह से फिनिश हो चुकी है, सिर्फ एडिटिंग और वीएफएक्स का काम बाकी है, जिसे तकरीबन करने में 6 से 7 महीने लग सकते हैं, और आपको ये कंफर्म है 2030 में देखने को मिलेगी। इसका कोई टीजर या ट्रेलर अभी तक आउट नहीं किया गया है, जैसे कोई टीजर या ट्रेलर आउट किया जाता है मैं आपको हमारे चैनल पर अपडेट के द्वारा बता दूंगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना चालू करते हैं 2030 के पार्ट के बारे में ही। जी हाँ दोस्तों, इसका एक और नया पार्ट एक तरह से आप बोल सकते हो, एक तरह से 5वां पार्ट आपको 2030 में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिसका टाइटल निकल कर आ रहा है आफ्टर एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, ये आफ्टर जो फिल्म एक तरह से सीरीज है उसका एक तरह से नया पार्ट है, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, और ये आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि ये कब तक आपको देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कई अपडेट आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए तो आफ्टर के बारे में, तो मुख्य रूप से आल्फ्रेड प्लम श्रृंखला में अमेरिकन रोमांटिक नाटक शामिल है, जो कि आफ्टर उपन्यास के लेखन एंड ट्रोल द्वारा आधारित है। जो आफ्टर उपन्यास के लेखन उन बर्ड पर आधारित है, कथनांक टैस और हार्डी नाम के एक युवा जोड़े के बीच एक रोमांटिक रिश्ते का सकारात्मक और नकारात्मक अनुभव को इर्द गिर्द केंद्रित है। अपने प्रेम लाभ की घटना पर जोड़ी ने अपने विभिन्न मतभेदों को दूर किया, सभी एक साथ भविष्य के निर्माण की योजना को मजबूत करते हैं। साथ ही साथ ये आधारित की बात की जाए तो मुख्य रूप से एंड्रॉइड पर, साथ ही साथ मुख्य रूप से श्रृंखला पर। मुख्य रूप से बात की जाए तो इसमें अभिनेता तो आपको देखने को मिले हैं जॉसफिन फेल्डर और हीरो कैल टिफ। मुख्य रूप से रिलीजिंग की तारीख के बारे में बात की जाए तो 2019 से वर्तमान तक ऑफिशियल रूप से ही आपको देखने को मिली है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज किया गया है, और इसकी लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिली है। मूवी का बजट लगभग 3 मूवीज की बात की जाए तो लगभग 42 मिलियन इस मूवी का बजट निकल कर आ रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इसने 150 मिलियन से प्लस में एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। हालांकि फिल्म को समीक्षाओं में सकारात्मक समीक्षा मिली, फिल्म ने प्रशासन का आधार प्राप्त किया और आर्थिक रूप से अच्छे प्रदर्शन के लिए इन्हें मैंदिक सफलताओं ने संबंधित उत्पादन स्टूडियोज को एक ही समय में कई किस्तों पर हरी बत्ती बताने के लिए प्रेरित किया। श्रृंखला पोस्ट प्रोडक्शन में एक सीक्वल्स की जारी की जा रही है, साथ ही साथ एक और सीक्वल्स, और साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में मैं आपको एक तरह से डिटेल बताऊं तो श्रृंखला पोस्ट प्रोडक्शन में एक सीक्वल के साथ जारी है, साथ ही साथ एक और सीक्वल्स प्रिंसिपल विकास में सम्मिलित हैं। इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहला जो एक तरह से आपको जो सेक्शन देखने को मिला था आफ्टर, जो कि 12 अप्रैल 2019 को जिसका डायरेक्शन जेनी गेन ने किया था, इसे लिखा था सेंस मैथमेटी ने, साथ ही साथ जेनी गेन ने मुख्य रूप से प्रोडक्शन जेनफिर गेबगोट और कोल्टन सोलन, और साथ ही साथ मार्क कोल्टन और
लेविंग एनन ऑर्ड, साथ ही साथ विल्सन इसके अंदर प्रोडक्शन में देखने को मिले। साथ ही साथ इसी के बाद एक और नया इसका पार्ट आपको देखने को मिला मुख्य रूप से 30 अक्टूबर 2020 को। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डायरेक्शन है वो संभाला है मुख्य रूप से रोगर कुंबल ने। साथ ही साथ अंधा टोल्ड एंड मेरी चाइल्ड, साथ ही साथ इसे लिखा है जैनफिट गिर्बन और कॉर्टनी सोलंस ने, साथ ही साथ मार्क कॉर्टन। साथ ही साथ दोस्तों इसके बारे में और डिटेल के बारे में बात की जाए, आफ्टर विल फेयर जो कि आपको 30 सितंबर 2021 को ऑफिशियल रूप से देखने को मिला। साथ ही साथ इसे कास्टिन लैंडन और साथ ही साथ सोनन सोडियल्स मुख्य रूप से इसे डायरेक्ट करते हुए नजर आए। मुख्य रूप से ये अगला जो इसका सेक्शन है 14 एक्टर से वो आपको देखने को मिला 7 सितंबर 2022 को। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसी के साथ इसके बारे में और डिटेल में बताऊँ तो जैनफी ग्रीव और कॉर्ट सोलन मार्क और कॉर्ट एंड एरो और लेविन से डायरेक्ट करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, ये जो सेक्शन था दूसरा और इसी के साथ चौथा, ये दोनों एक तरह से दोनों के एक तरह से पार्ट से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्हें 2020 में और 22 में रिलीज किया गया था। साथ ही साथ हाल ही में 2030 में एक और सिक्वेंस आपको देखने को मिलने वाला है आफ्टर एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर एवरीथिंग जिसका एक तरह से प्रोडक्शन और डायरेक्शन संभाल रहे हैं कास्टिल लैंड्स एंड पिट्स एल, साथ ही साथ जेम्स कॉल्विन गॉड। और साथ ही साथ आफ्टर 2019 के बारे में सबसे पहले हम डिटेल जानना चालू करते हैं, बेसिक बेसिक डिटेल बताया गया। यदि आप चाहते हो कि हम एक एक पर सेपरेट वीडियो लाए तो हम उस पर भी फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर 2019 के बारे में बात की जाए तो टेसा खुद को एक कुशल सपित छात्र और जिम्मेदार बेटी के रूप में देखती हैं और हमेशा अपने हाई स्कूल प्रेमी के लिए एक अफवाह प्रेमी रही। और साथ ही साथ हालांकि जब वह कॉलेज जाने में जोखिम उठाती हैं तो यह सब सवालों के घेरे में आती हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ जब उसकी मुलाकात हार्डी नाम के एक विचारशील और रहस्यमय लड़के से होती है तो रोमांटिक मुठभेड़ की एक घटना श्रृंखला के माध्यम से टेसा सवाल करती है कि क्या मानती है उसका चरित्र और वह अपने भविष्य में क्या एक तरह से चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में ऐसे शॉर्टली एक तरह से डिटेल बता रहा है, फिर एक एक पर स्टोरी के साथ साथ पूरे प्रोडक्शन कास्टिंग सारे के बारे में हम डिटेल करेंगे। 2020 में आपको देखने को मिला आफ्टर वी कोलाइड। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बात की जाए तो अपने रिश्ते की एक भावुक शुरुआत के बाद टेसा और हार्डिन उस मुद भरे एक तरह से मतभेद को प्रोमलिव की एक बंद श्रृंखला का अनुभव किया। इसके बावजूद यदि जोड़े एक बार बार एक दूसरे के पास लौटते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि उनके प्यार ने उन्हें एक स्थायी संबंध बनाने में मार्ग खोजने में मदद की। हालांकि हार्डिन मतलबी हो सकती हैं, टेसा उसके प्रति आकर्षित हैं और हार्डिन अपने अंधेरे परिवर्तन अतीत के माध्यम से काम करने और अपने क्रोध को मुद्दे को प्रबंधित करने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे उसके जीवन का अनुभव सामने आते हैं टेसा उनके एक साथ भविष्य पर सवाल उठाती हैं। जब वह एक तर्क के बाद अपने कार को दुर्घटनाग्रस्त कर देती हैं तो हॉर्टन विश्वास होता है और वह केवल उसे नुकसान पहुंचाएगी। दोस्तों इसी के साथ 2021 में इसका एक और पार्ट आया था आफ्टर वी फेल। जी हाँ दोस्तों, इसमें बताया जाता है जब टेंशन का शराबी अनुपस्थित पिता उसके जीवन में फिर से प्रवेश करता है तो वह हार्डिन उसके साथ संबंध विकसित करने की कोशिश करता है। जैसे ही टेसा ने नौकरी के अवसर के लिए दूर जाने की योजना बनाई जोड़े को ऐसा एक फिर तनावपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे वे अलग होने जाते हैं वह दूसरे लोगों में रोमांटिक रुचियों का पता लगाने लगते हैं जबकि सभी एक दूसरे से संबंधित प्रेम में ईर्ष्यालु करते हैं। हालांकि वे अन्य विकल्प पर विचार करते हैं, वे अंततः समाजी बिट लेते हैं जैसे कि वे एक साथ वापस आने का फैसला करते हैं। हार्डिन के सच्चे परिवार के लिए रहस्य युग को एक नए रोमांच पर ले जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पावर हेल्प के बाद 2022 में हालांकि उसके रिश्ते कई तरीके की कठिनाई हैं लेकिन टेंशन और हार्डिन ने पाया कि उनका प्यार और मजबूत हो गया है। जब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के पास अपने अपने परिवार के परवांशिक के बारे में रहस्य हैं तो उन्हें एक तरह से एहसास होता है कि वह इतने अलग नहीं जितने उन्हें शुरू में सोचा था। उनके एक साथ समय में उनके प्रत्येक ताकत में कमजोरी के संतुलन किया और डेम्स का साधारण अच्छी लड़की नहीं है। हार्डिन ने अपने करियर कोटरे भारी
स्वरूप पर काबू पा लिया जिसके बावजूद वह अपने मतभेद के मध्य से काम करी। जबकि एक परिवार को एक साथ बनाने की दृष्टि संकल्प होती है और साथ ही साथ 2023 में आफ्टर एवरीथिंग अगस्त 2022 में ही घोषणा की गई कि श्रृंखला का एक गुप्त सीक्वल का निर्माण शुरू हो गया है। हालांकि कोई वितरण सामने नहीं आया है। ये कहा गया है कि फिल्म शीर्षक की मुख्य फोटोग्राफी हाल ही में शूट कर ली गई है और लेगहॉर्न के एल्फ्रेड टिन्स क्रम से टैंस यंग और हॉर्टिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाएंगे। फिल्म हार्डिंग और टेस्ट के अलग अलग होने के बाद के समय के बारे में बताती हैं। एक दूसरे से दूर जीवन के बारे में नोरा के साथ लैट की शादी में उनकी मुलाकात और हार्डिन और टेशन के जीवन के निभिन्न घटनाओं के बारे में अलग अलग एक साथ थे। 2020 में बोलियन और आफ्टर फ्रेंचाइजी की तीसरी और चौथी फिल्म फिल्मांकन के रूप में दो निशान कैस्टिंग लेट द्वारा शूट किए गए फुटेज का उपयोग करके फिल्म भी बनाई गई। मुख्य रूप से बात की जाए तो इसके बारे में तो मुख्य रूप से आपको 2019 में भी ये देखने को मिली थी। साथ ही साथ कई एक तरह से कास्ट है जो इसके अंदर आपको मल्टीपल सीक्वेंस में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों अब हम फोकस करने वाले हैं इसके एक तरह से फर्स्ट पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है आफ्टर, जो कि आपको 2019 में ऑप्शन रूप से देखने को मिला था। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, इसे दबा कर आल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो दोस्तों अभी तक हमने 2023 में आने वाली इसकी जो सीरीज है एक तरह से, जिसका नाम आफ्टर एवरीथिंग रखा गया है, 2023 में इसका प्री प्रोडक्शन हो चुका था जैसे कि मैंने बताया। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग, कास्टिंग, साथ ही साथ प्रोडक्शन वीएफएक्स और साथ ही साथ इसके बॉक्स ऑफिस अंदाजा कितना ये एक तरह से कलेक्ट कर सकती है उसके बारे में अपडेट बताई। और अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के एक तरह से सबसे फर्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि आपको देखने को मिला था तकरीबन 2018 के अंदर इसका मेकिंग का काम चालू था और 2019 में ये ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिला था। और मैं आपको बता दूं, इसके यदि आपको कोई सा भी पार्ट देखना हो तो ये नेटफ्लिक्स पर सारे के सारे एक तरह से सीरीज वाइज, ये एक तरह से मूवी और इसकी जितनी भी सीरीज है आफ्टर की, वो सारी के सारी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको जो एक मूवी आ रही है वो भी आपको एक तरह से थिएटर में देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ नेटफ्लिक्स इसका ओटीटी राइट खरीदने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर यह ऑप्शन रूप से देखने को आपको मिल सकती है। आपको कोई सा भी पार्ट देखना हो तो आप नेटफ्लिक्स पर जाकर सिंपली उसे देख सकते हो। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो 2019 में ऑप्शन रूप से ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ड्रामा एक तरह से फिल्म है ये आपको देखने को मिली। तो ये 2019 में अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसे जेनी ग्रोन द्वारा निर्देशन किया गया है और जॉन सुसन और मार्टिन और तारा चेस द्वारा लिखा गया है, जो कि आन टॉड और 2014 की इस नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में जॉल्फिन लेगहॉर्न और हीरो फैंस टिल्स और साथ ही साथ एक अनुभवहीन किशोर लड़का का अनुसरण करती हैं जो अपने कॉलेज के पहले महीनों के दौरान एक रहस्यमय छात्र से रोमांस करना शुरू कर देता है। कलाकारों में सेल्मा ब्लेयर, साथ ही साथ सोल फॉल अमेरिकन और पिया मिया और खादियल रेड थंडर, साथ ही साथ सैमुअल लार्सन और जेनिफर बिल्स और साथ ही साथ और सहायक भूमिकाओं में पीटर गोल्डवेयर हैं। इस मूवी का डायरेक्शन किया है जेनी क्रोज ने, साथ ही साथ इसका स्क्रिप्ट सुसन मैकमार्टिन ने लिखा है, साथ ही साथ तारा चेस्टन और जेनी क्रोज, साथ ही साथ ये आधारित है ऑन टॉड के साथ और इसका प्रोडक्शन किया है जेनिफर गिलगॉट ने, साथ ही साथ कर्टन सोलमन और मार्क कैफ्टन, साथ ही साथ एरो लैडविस और एंड ट्रोल और मीडियो विल्स, साथ ही साथ डेनियस पॉल्सन आपको देखने को नजर आए हैं। मुख्य रूप से अभिनेता इसके अंदर जॉस फेल्डर और हीरो कैनफिट फीड, साथ ही साथ सेल्सा ब्लेयर, साथ ही साथ इंद्रा सैरकिन और डायल्स ऑनर्ड, साथ ही साथ पीटर गोलगेयर। इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है एडम सिल्वर और टॉम बेट्रेंट, साथ ही साथ इसकी जो एडिटिंग की है मिशेल हैरिसन ने, साथ ही साथ इसे एक तरह से इसमें म्यूजिक दिया है जस्टिन बर्नर ने। साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी की बात की जाए तो वोल्टेज एक तरह से पिक्चर, साथ ही साथ कैनवस मीडिया, डायमंड फिल्म प्रोडक्शन और एक तरह से 17 मनोरंजन, साथ ही साथ बैटवर्ड स्टूडियोज, साथ ही साथ
इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है एवरीऑन पिक्चर्स ने। रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो लॉर्ड्स एलजीएस में ये 8 अप्रैल 2019 को ऑफिशियल रूप से रिलीज की गई थी और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में से 12 अप्रैल 2019 को रिलीज किया गया। इसकी लेंथ तकरीबन 106 मिनट थी। ये आफ्टर सीक्वेंस की फर्स्ट फिल्म थी जो कि इंग्लिश में आपको देखने को मिली और इस मूवी का बजट तकरीबन 40 मिलियन यूएसडी डॉलर था। साथ ही साथ इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर इसने 69.5 मिलियन की कमाई की। 8 अप्रैल 2019 को लॉस एलियस में द ग्रोव में प्रीमियम के बाद आलोचनाओं से काफ़ी हद तक नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद इसने इसकी पटकथा और कथनांक का अपमानजनक संबोधन की आलोचना की। ये एक व्यावसायिक सफल थी जिसने 14 मिलियन के बजट में दुनिया भर में 69.5 मिलियन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किया। फिल्म ने पार्ट फिल्म सीरीज लॉन्च की और साथ ही साथ इसके बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी के बारे में, टेसा यंग अपनी माँ केरियल और अपने प्रेमी नू की मदद से अपने छात्रावास के कमरे में जाकर कॉलेज के अपने नए साल की शुरुआत करती है। इस प्रक्रिया के दौरान वह अपने नए रूममेट स्टील और स्टीव की प्रेमी ट्रिश से मिलती है। एक दिन बाद टेशन ने स्टीन के दोस्त हार्टिन स्कॉट के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ साझा की। अगले दिन स्टीव ने टेस को एक पार्टी में शामिल होने के लिए राजी किया जहां वह स्टीव के नए दोस्त जेट मोली और जेन से मिलती है और दूसरी बार हार्टिन से मिलती है। समूह सत्य का सहायक खेलता है जो टेंस मॉर्गन को पकड़ करता है। वह हार्टिन को चूमने की हिम्मत करती है लेकिन मना कर देती है। बाद में वह पार्टी में हार्टिन टेंस को चूमने का प्रयास करती है लेकिन वह उसकी बातों को खारिज कर देती है और चली जाती है। अगले दिन टेस की मुलाकात एक सहपाठी लैंडन से होती है जिसे वह कक्षा के पहले दिन मिली थी, जो उससे बताती हैं कि वह हार्डन जल्द ही सौतेले भाई बनने वाले हैं। उसकी माँ ने हार्डन के पिता से सगाई कर ली है और एक वर्ग बहस के बाद हार्डन फिर से टेस के पास जाता है और जोर देखकर कहता है कि वह उसे के पास झील में एक आमंत्रित करते हुए शुरू कर रहा है। जबकि वह तैरती है हार्डन ने टेस को चूमते हुए कहा कि वे केवल दोस्त नहीं रह सकते। बाद में एक डिनर में मॉल्स और जेन को दोनों को सामना होता है जिसके बाद टेंस ने अपने प्रेमी हार्डन के साथ साझा किया और एक सुवन के बारे में बताने का वादा किया। हार्डन ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा था ये कहते हुए कि वह टेस को निराश नहीं करता। चून ने टेशन को ये छात्र के साथ आश्चर्यित किया और दोनों का एक शाम और अलावा के आसपास एक ही साथ अनुभव करते हुए पार्लर पार्टी में चूसो और उड़स के खेल में टोस को चूमने के लिए जानबूझकर विफल हो जाती हैं। हार्डिन गोशुल करती है कि शारीरिक टकराव की ओर ले जाना, जबकि चूह की पार्टी के बाद टेस को बिस्तर में सोता हुआ दिखाया जाता है। वह हार्डिन की जांच करने के लिए निकल जाती है जिस पर नशों में घर को नष्ट कर दिया था। वे उसे आराम और दो चुन देती हैं और अगले दिन टेस न्यू की जांच करने के लिए उसे अपने ड्रोम पर लाती है। साथ ही साथ इनके बारे में और मैं जो डिटेल निकल कर आ रही है मैं बताऊँ तो इसके अंदर आपको देखने को मिला था अगले दिन टेस न्यूर की जांच करने के लिए अपने ड्रोम में लौटती हैं जहाँ हार्टिन के साथ अपने संबंध का पता लगती है और उसे दिल से छोड़ देती है और टेशन हार्टिन आखिरकार डेल के फैसला करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन उसकी माँ ने हार्डिन को बुरा प्रभाव मानते हुए रिश्ते को जारी रखने पर उसे आर्थिक रूप से काट देने की धमकी दी थी और हार्टिन दोनों को एक साथ रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और वे अपने पिता की शादी के रिसेप्शन में शामिल होती हैं और हार्डिन खुलासा करता है कि उनके पिता नशे में थे और उनकी माँ के साथ कुछ और लोगों ने मारपीट की थी जबकि उनके पिता ने नशे में उकसाया था। और टेस उसे आराम देती है और दोनों आपस में अपार्टमेंट में एक तरह से मिलते हैं और टेस अपना कॉरियर खो देती हैं। बाद में टेस मोली द्वारा हार्डिन को भेजे गए एक पार्ट संदेश के बारे में चिंतित हो जाती है और टेस उसका सामना करने पर प्रयास करती हैं लेकिन वह उसे खारिज कर देती हैं और पता चलता है कि उसकी तलाश में अपार्टमेंट छोड़ने के बाद टेसा उसे बेल जेट स्टीम और जेस के साथ एक ट्रेन पर पाती हैं। मोली क्रोध से टेस को पहले पार्टी से एक वीडियो दिखाकर हार्डिन के सच्चे इरादे को प्रकट करती हैं जिसमें बताया जाता है कि हार्डिन ने केवल एक चुनौती के रूप में टेस की पीछा किया। उसका दिल तोड़ने से पहले
उसके साथ प्यार करने का इरादा किया और टीनेजर्स को साझा करते हुए बताया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसके जाने के बाद उसका इरादा बदल गया है, लेकिन टेस ने उसे रिश्ते को समा कर दिया है और दिल टूटने वाली टेस अपनी माँ को चूने के साथ सुलह करने के लिए घर लौटती है, जो दोनों उसे माफ़ कर देती है। और आने वाले हफ्तों में टेस स्टीव को उसके दोस्त के समूह के साथ संबंध काट दिया है, ये बताया जाता है। साथ ही साथ अंततः बैस पब्लिक में इंटर्नशिप के साथ वहाँ पर आती हैं। साथ ही साथ वह सेमेस्टर अंत में कॉलेज छोड़ देती है और टेस्ट लेक्चर ने उसे हार्टिन द्वारा लिखे एक निशान सौंप दिए हैं, जिसमें वह टेस्ट के लिए अपने प्यार को कबूल करती है। और उसे पढ़ने के बाद टेसा हार्टिन से मिलने के लिए झील पर लौटती हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानना चालू करते हैं इससे एक तरह से मूवी या एक तरह से इसके जो पार्ट आ चुके हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले हमने स्टोरी एक्सप्लेन कर दी थी और अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल मैं आपको बताता हूँ। टेसिंग अपनी माँ कैरल और अपने प्रेमी न्यू की मदद से अपने छात्रावास के कमरे में जाकर कॉलेज के अपने नए साल की शुरुआत करती है। यहाँ से स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी थी। साथ ही साथ इसमें टेसा यंग के रूप में जॉल्फिन लैडफोर्ड आपको देखने को नज़र आए हैं। साथ ही साथ इसी के साथ बात की जाए तो इसके अंदर और भी कलाकार आपको देखने को नज़र आया है। हार्डिन स्कॉट के रूप में हीरो फ्रेंस्टीन, साथ ही साथ सेल्फा के रूप के अंदर आपको यंग के रूप में देखने को नज़र आए हैं। मोली के रूप में इना सरकीस, साथ ही साथ लेडर के रूप में सॉफ फॉल मिल्की और मिया मीर के रूप में आपको नज़र आए हैं। साथ ही साथ खादीजा रेड स्टीन के रूप में डेल एनोड रू के रूप में, साथ ही साथ मिशेल नार्स जेड के रूप में, गेनर के रूप में जेनिफर बिल्स और चार्ल्स केन स्टोल के रूप में पीटर वॉल्गर। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन एक तरह से मूवी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको जॉनसन ए स्कॉट के रूप में पीटर गोल्वर्न देखने को नजर आया। डेवलपमेंट की बात की जाए 2013 में लेकन एंड ट्रॉप में आस्टर ऑफ फैनफ्लेक्स और फ्लेक्स प्रकाशन वेबसाइट वॉट शीर्षक से एक फैंसिप के पहले अध्ययन पोस्ट किया और फैल्किस की मूल कहानी बॉलवेंड एंड डायरेक्ट पर आधारित है। इसमें बैड के सदस्यों को हैरी स्टाइल और लियो पैन और साथ ही साथ नील हॉर्सन के रूप में नजर आए हैं। जेन माली को वाशिंग स्टेन यूनिवर्सिटी के पात्रों के रूप में चित्रित किया गया है। कहानी में टेस यंग एक मासूम लड़की के रूप में नजर आए हैं जो कि बैड ब्लो स्टाइल के साथ रिश्ते में शामिल हो जाती हैं। पहले अध्ययन प्रकाशित होने के एक महीने के भीतर कहानी को लगभग 544 मिलियन बार पढ़ा गया और टोस्ट ने बाद में श्रृंखला के उपन्यास को लिखाया जो कि लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जाने लगा। साथ ही साथ इसी के साथ लोगों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया, पुस्तक ने मीडिया पर ध्यान आकर्षित किया और न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट फिल्म पर बन गई। 2014 में पैरामाउंट पिक्चर ने फिल्म के लिए ऑस्कर एंड करने के लिए अधिकार हासिल कर लिए। 2017 के मध्य में फिल्म निर्माण की कंपनी के अधिग्रहण समाप्ति से पहले इस परियोजना का नेतृत्व पटकथा लेखन और सुनील मार्क ने किया। इसके बाद केल मैपन मीडिया और ऑल्फे एंटरटेनमेंट में फिल्मांकन के अधिकार हासिल कर लिए। लेखन आमतौर पर चेस ने मार्केटिंग की पटकथनों पर काम करने के लिए काम पर रखा। उन्हें सांग जेनी गौर ने स्क्रिप्ट के अंत में संशोधन को देखरेख की। मैरकन चेस्टन और गैस सभी को अंतिम स्क्रिप्ट के लिए केविन प्राप्त हुआ और कैन मेल्प मीडिया के मार्क कैन ने गेटन सोमलेन और सत एंटरटेनमेंट के जेनिफर गेट के साथ एरोन वीडे मीडिया के फ्रॉड के साथ डायमंड फिल्म प्रोडक्शन और डेनी प्रोस के सभी निर्माताओं को फिल्म का निर्माण के रूप में श्रेय दिया। फिल्म को कैट मेल्प वर्ल्ड पिक्चर्स और डायनन फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वित्तयोजित किया गया, जिसमें स्वेल फोर्ट और निकोल चेरियन जॉनसन डेकर। साथ ही साथ इसमें आपको फिल्म को घरेलू स्तर पर वितरित किया गया और वर्ल्ड पिक्चर्स ने विदेशी वितरण को संभाला। 8 मार्च 2018 को जूलियस गोल्डस को हीरो फैंसी टिफिन को क्रम से टेंस यंग और हार्टिन स्कॉट की मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया गया। अभिनेता का चयन प्रोडक्शन टीम द्वारा किया गया जिसमें खुद टॉल भी शामिल थे। जहां कास्टिंग में मौजूद थे उन्होंने कास्टिंग के फैसले में योगदान दिया। जुलाई 2018 में शूटिंग संशोधन के कारण टेल्सी ने फिल्म से बाहर निकालने की घोषणा की गई और उसी महीने जसफिन गैल को टेस यंग की भूमिका निभाने के लिए घोषित किया गया। टोन्स ने बाद में कहा कि एक बार जब उसने
टैगफोर्ड को देखा तो उसने तुरंत ही जान की लगाई और टेस किया। प्रियमी ऑस्टिन की भूमिका में लिया, जो कि किताबों में एक पूर्व एक दशपुरुष चित्रित कार्यकारी निर्माता स्पेन टेम्स को जेंस के रूप में कास्ट किया गया और सॉल फॉर मेगन के खादीज रेड थन को क्रम से लेडर ग्लिप्स और स्टीव जॉनसन के रूप में जोड़ा गया। साथ ही साथ 27 जुलाई को पीटर गर्वन और जॉन फिल्बिस की क्रम से कैन स्टोर के केरियन विक्स और हार्टिन के पिता और लेडर की माँ की भूमिका निभाने की घोषणा की गई। सेल्मा ब्लेयर ने टेस की माँ को करियर यंग की घोषणा की और डायल ऑनर ने चुन के लिए घोषणा की पोर्टन 30 जुलाई को। फिल्मांकन की बात की जाए, प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में बोस्टल मैस चैंड में शुरू हुई। जुलाई की शुरुआत में निर्माता जूनियन पिगोट ने कहा कि लेगवर्ड ने टेस के रूप में डाले जाने वाले तुरंत बाद शूटिंग 16 जुलाई 2018 को एटलॉक जॉर्जन में शुरू हो गई और प्रधान फोटोग्राफी मुख्य रूप से हेरमान विश्वविद्यालय में आयोजित की गई और उत्पादन उसी वर्ष 24 अगस्त को पूरा किया गया। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 8 अप्रैल 2019 को लॉस एंजलिस में द गौरमे प्रीमियम के बाद और संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 अप्रैल 2019 को एवी रोज पिक्चर द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म लैटिन अमेरिका में 10 अप्रैल 2019 को डायमंड फिल्म्स द्वारा उत्तरी अमेरिका में रिलीज से पहले रिलीज की गई थी। बॉक्स ऑफिस के बारे में बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में $12 मिलियन, अन्य क्षेत्रों में $57 मिलियन की कमाई करने के बाद दुनिया भर में $40 मिलियन के उत्पादन के बजट के मुकाबले $69.7 मिलियन की कमाई की। संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा साथ ही साथ और जगह भी इसे रिलीज किया। सप्ताह में इसे 2138 थिएटरों में लगभग 3 से 12 मिलियन की सकल कमाई का अनुमान लगाया गया। फिल्म ने पहले दिन 2.9 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार रात में फुल लोकन में लगभग 550 मिलियन डॉलर की कमाई की। साथ ही साथ ये बॉक्स ऑफिस पर 8वें स्थान पर रहते हुए दुनिया में 6 मिलियन की शुरुआत में चली गई। अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 58% गिरावट हुई, $2.8 मिलियन आ गई और 11वें स्थान पर रही। साथ ही साथ रेटिंग भी बहुत ही बढ़िया थी। रेड टमाटो ने इसे 10 में से 9.9 की रेटिंग दी, बहुत ही ज़बरदस्त रेटिंग दी। साथ ही साथ और भी प्लेटफॉर्म पर इसे अच्छी खासी रेटिंग प्राप्त हुई। तो दोस्तों, इस जो एक तरह से पार था आफ्टर का फर्स्ट वाला, उसके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने फटाफट से आपको बता दी। साथ ही साथ अब हम जानने वाले हैं इस एक तरह से इसके सेकंड पार्ट के बारे में। आफ्टर जो सीरीज है, एक तरह से मल्टीपल सीक्वेंसेस के आपके देखने को मिले थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में फर्स्ट आफ्टर के बारे में बात कर ली और इसके बाद 30 अक्टूबर 2020 को इसका सेकंड पार्ट ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिला, जिसका नाम था ऑफिशियल रूप से आफ्टर बी कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल रूप से इसका डायरेक्शन रोरगल कुंबल, साथ ही साथ एना टॉड एंड मेरियल क्लेस द्वारा इसे लिखा गया। तो इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल हम जान लेते हैं। ये भी उसका एक अगला पार्ट था। मुख्य रूप से इसका नाम है आफ्टर बी कॉल्ड। आफ्टर बी कॉल्ड इज अमेरिकन एक तरह से रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जो कि राजर कुंपेल द्वारा निर्देशित है और अन्ना टॉल और मेरियन सेलर द्वारा लिखी गई है। टॉल द्वारा इसे नाम के 2014 के उपन्यास पर आधारित ये आफ्टर 2019 की अगली कड़ी है और आफ्टर एक तरह से फिल्म श्रृंखला में दूसरी एक तरह से समर्पित है। फिल्म ने डॉल्फिन रेड और हीरा फैंसन टिफ क्रम से टैंस यंग और हार्टिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आए हैं। जॉन पॉल, साथ ही साथ ईरा सैरकिस, साथ ही साथ सेमलेस लार्स और सेल्वा ब्लेज सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे। इस सीरीज की बेसिक डिटेल के बारे में बात की जाए तो इसका डायरेक्शन संभाला है रोजन कुंबेल ने, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटिंग अन्ना टॉल ने, साथ ही साथ ये आधारित हैं मुख्य रूप से जो एक उपन्यास है आफ्टर बी कॉल्ड बाय एनएल टॉट। जी हाँ दोस्तों, इसी पर ये आधारित है। इसका एक तरह से उत्पादन किया था जॉनिफर गिरगॉर्ड ने, साथ ही साथ निकोल चार्टियन, अन्ना टॉल, मार्क कैप्टल और पैट पीट ने। साथ ही साथ मुख्य रूप से इसके अंदर आपको कैरेक्टर के अंदर देखने को नजर आए थे जोसेफ ब्लैकफोर्ड, हीरो एंस्टीन और डैन स्पॉन, सॉन पॉल मैकलर, साथ ही साथ सैमुअल लार, साथ ही साथ सीमा ब्लेयर।
सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात की जाए, हैरी रिमबेन साथ ही साथ इसकी एक तरह से एडिटिंग की है अनिता प्राय बेयोग ने, साथ ही साथ इसमें म्यूजिक जेन्स बर्नल, उत्पादन कंपनी वोल्टेज पिक्चर, साथ ही साथ सैतन एक तरह से एंटरटेनमेंट कैल्पर्स मीडिया वास्तविक पृष्ठ मनोरंजन, और साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है ऑपर रेडी फिल्म्स ने। यह अफसल रूप से 2 सितंबर 2020 को चुनिंदा सेक्टर में रिलीज की गई, 28 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे अफसल रूप से लॉन्च कर दिया गया। तकरीबन 105 मिनट की इसकी लेंथ थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे सबसे पहले लॉन्च किया गया। इसकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी। इस मूवी का बजट तकरीबन $14 मिलियन था और मूवी ने फोड़े लगभग $48 मिलियन, लेकिन ये फिर भी जो इसका फर्स्ट पार्ट आया था उससे बहुत गुना कम थी। और ओपन रोड फिल्म द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में वीडियो ऑन डिमांड पर एक साथ रिलीज होने से पहले 2 सितंबर 2020 को बीबीसी कोलाइट के बाद चुनिंदा क्षेत्रों में प्रीमियम हुआ। अपने पूर्ववर्ती की तरह फिल्म को आलोचनाओं से भरी सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें कई लोगों ने खतरनाक पात्र को, अभिनय और जहरे रिश्ते को निकट आलोचना की। मूवी ने दुनिया भर में $48 मिलियन की कमाई की। इसी फिल्म के बाद सितंबर 2021 में अल्फ्रेड बी फ्रेंच और सितंबर 2022 में एवल हैम सहित कई सीक्वल आए। श्रृंखला के मुख्य पात्र भी एक तरह से डेवलपमेंट में चले गए। साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जाने लगा। इसकी स्टोरी यदि आपको चाहिए तो मैं ऑफिशियल रूप से एक छोटी वीडियो लाकर उसमें मैं आपको डिस्कस कर सकता हूँ। उसमें रोल निभाए आपको जॉन फिल लैगफोर्ड टेज के रूप में। मैं इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन नहीं कराऊँ क्योंकि हम सेपरेट वीडियो भी ला देंगे यदि आप नीचे कमेंट करोगे तो। हार्डिन के रूप में हीरो 10 फीट आपको देखने को नजर आए थे। साथ ही साथ इस मूवी में करियन वेट का रोल निभाया है किरण के रूप में। साथ ही साथ रोबन ईस्ट ने कैन का रोल निभाया है। प्रोडक्शन की बात की जाए, मई 2019 में ये पुष्टि की गई थी कि फिल्म आफ्टर का सीक्वेंस जॉन फ्लेगर्ड और हीरो फैंस टिफिन के साथ क्रम से टेंस यंग और हॉटिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हुए योजनाबंद किया गया है। 8 अगस्त को ये घोषणा की गई कि सीक्वल कंदर सांग रोजल कुंबेल करेंगे और 5 अगस्त को ये घोषणा की गई कि डिल्स स्पॉन ट्रेलर और टेंस सहकर्मी के रूप में चुने गए हैं। 12 अगस्त को चार्ली बेल्ट साथ ही साथ लुइस कॉम्बल्स साथ ही साथ स्टीक की भूमिका निभाते हुए की घोषणा की गई। स्टेल्स ने वेस्टब्रुक ने क्रम से केन और केनन स्कॉट के रूप में पीटर जोर्डन और जूनियर विल्स की जगह ली। प्रधान फोटोग्राफी अगस्त 2019 में एटलांटा जॉर्जिया में शुरू हुई। रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो आफ्टर वी कोराइट को 2 सितंबर 2020 को इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 3 सितंबर 2020 को फिल्म को ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, जर्मन, ग्रीस, आर्गिन साथ ही साथ स्पेन, स्विट्जरलैंड और यूरोप में रिलीज किया गया। ये तब इस टीम में 9 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क के मध्य पूर्व में, न्यूजीलैंड में, 10 सितंबर को कनाडा, स्टोन एक तरह से तालवीन साथ ही साथ ल्यूथियन नॉर और पैलेट रोमांस में 11 सितंबर को जारी की गई। इसे ओपर रोड फिल्म्स द्वारा 30 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तरह से सिनेमाघरों में मांग पर एक साथ रिलीज किया गया चुनिंदा क्षेत्रों में। इसे 22 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियल रूप से आप इसे जाकर देख सकते हो इसका अपकमिंग पार्ट जो भी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाला है। इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने 16 देशों में लगभग 100 मिलियन की शुरुआत से अपना स्टार्टअप किया और 2.6 मिलियन सबसे ज़्यादा बाजार उतरा। अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म ने 21 देशों में लगभग 4.2 मिलियन की कमाई की, 10 दिन में लगभग $21 मिलियन की कमाई की। स्वीडन फिल्म ने $2.95 की कमाई की, 122 थिएटर में से की और 9 सितंबर को शुरू हुई। अपने नाटकीय प्रदर्शन के पहले 5 दिनों के दौरान यूनाइटेड किंगडम सहित कई देशों में जहां दूसरे सप्ताह में इसका सकल 18% उछाल में आया, थिएटरों द्वारा वितरित किया गया 59 थिएटर बढ़ाकर 360 हो गए। और अपने तीसरे सप्ताह में फिल्म ने 31 देशों में फोड़े लगभग $4.1 मिलियन। अपने चौथे सप्ताह में फिल्म ने 32 देशों में $3.25 मिलियन की कमाई की। स्पेन में फिल्म ने 3.25
2 मिलियन से 3.2 मिलियन के साथ साथ कमाई की, और आफ्टर बी कोलाइट के घरेलू रूपांतरण में इसे 407 थिएटरों में लगभग $442.88 की कमाई की। इसी अवधि में गूगल पे और एप्पल टीवी पर नवंबर और एक और सबसे अधिक एक दर से खरीदने जाने वाली फिल्मों में से एक थी, और फोर्ड एंड नाउ दूसरी थी, और अगले सप्ताह के अंत में गूगल और एप्पल ने पहले स्थान पर रखा, जबकि फैंडर्स और स्पोर्ट दोनों ने तीसरे स्थान पर रखा। साथ ही साथ रेटिंग की बात की जाए तो इसकी रेटिंग बहुत ही घटिया एक तरह से दी गई थी, 3.9/10 में से दी गई है मेटाक्रिटिक पर, और साथ ही साथ आलोचनाओं के आधार पर 100 में से 40 भारतीय औसत स्कोर है। साथ ही साथ सितंबर 2020 में ये घोषणा की गई कि दो सीक्वेंस फास्ट विलियर फैट और फास्ट एवर हैप्पी के साथ प्रोडक्शन में जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई है, यानी डेवलपमेंट चालू कर दिया गया था। 30 सितंबर 2021 को नाटक के रूप से रिलीज हुई थी एवर हैप्पी के बाद 7 सितंबर 2022 को नाटक के रूप से रिलीज हुई थी। 24 अगस्त 2022 को ये घोषणा की गई कि एक्ट एरेवन नामक एक और सीक्वेंस का फिल्मांकन सप्ताह में होगा। साथ ही साथ लैगफोर्ड और फ्रेड डॉल्फिन दोनों ही अपने भूमिगत को फिर से निभाने के लिए तैयार थे। ये स्क्रॉप्ट फिल्म रिलीज के 5वीं और अंतिम फिल्म होगी। ये एकमात्र ऐसी फिल्म भी होगी जो रिलीजिंग की एक दर्शक किताब पर आधारित नहीं होगी, एक और सीक्वेंस और प्रीव्यू विकास में था। साथ ही साथ और भी कई अपडेट निकल कर बाहर आई। तो दोस्तों, इसके बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको प्रोवाइड कराई आफ्टर बी कोलाइड के बारे में। ये आपको 30 अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड वाइड देखने को मिली थी, साथ ही साथ मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल देखने को मिली। साथ ही साथ अब 3 पार्ट बाकी है, इसके 2 पार्ट तो रिलीज हो चुके हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसका एक अपकमिंग पार्ट है आफ्टर एवरीथिंग। जी हाँ दोस्तों, अच्छा खासा इन एक तरह से सीक्वेंस ने अच्छी खासी कमाई की है, और OTT पे जब इन्हें रिलीज़ किया गया OTT पे भी धमाकेदार प्रदर्शन किया है। एप्पल प्लस जैसा कि मैंने बताया, गूगल एक तरह से इस पर भी इसे लोगों द्वारा बड़ा खरीदा गया, साथ ही साथ लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया था। साथ ही साथ इसकी अपकमिंग कोई ट्रेलर या टीजर अभी तक आउट नहीं किया गया है, और साथ ही साथ ये कंफर्म किया है सिर्फ ये 2023 में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके थर्ड सीक्वेंस के बारे में, आफ्टर बी फील। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर बी फील 30 सितंबर 2021 को आपको देखने को मिला था। इसकी कास्टिंग लैडॉन ने की थी और स्टॉल सॉल्टबर्न इसे लिखते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और साथ ही यदि आपको और भी किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम या कोई से भी स्टेट की हो, यूनाइटेड स्टेट या कोई से भी कंट्री की हो, चाहे कोरियन हो, चाहे कोई से भी सीरीज हो, हम सभी की एक्सप्लेनेशन हम हिंदी में आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ सारे OTT प्लेटफॉर्म को कवर करते हैं। आपको जिस भी सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में प्यारा से कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आगे इसकी डिटेल जानना चालू करते हैं। 2 पार्ट थे, उन सभी को हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक तरह से उनकी डिटेल मैंने आपको बता दी थी। अब तीसरा पार्ट जो कि 30 सितंबर 2021 को आपको ऑफिशियल रूप से देखने को मिला था, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इसके कई अपडेट और डिटेल के बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उस एक तरह से एपिसोड का नाम है आफ्टर, एक तरह से आफ्टर विल फील। जी हाँ दोस्तों, आफ्टर विल फील इज 2021 की अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक सोरेन शॉप और स्क्रिप्ट राइटिंग पर आधारित एंड टॉड द्वारा इसी नाम के 2014 के उपन्यास पर आधारित है। ये आफ्टर विल कोलाइड की अगली कड़ी के रूप में कार्य करता है, और आफ्टर फिल्म श्रृंखला में समर्थ रूप से तीसरी एक तरह से किस्त है, जो कि जॉन फिन लैडफोर्ड और हीरो एग्लिस के रूप में देखने को नजर आया है।
ये एक असेंबली खड़ी के रूप में कार्यकारी है जोसफिन लैडफोर्ड और हीरो एन पेट्री के अभिनेता क्रम से टेक्शंग और हार्टिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए नजर आए हैं। सीटीएल में नौकरी के लिए टेस्ट की तैयारी करने के लिए टेस्ट के पिता का आगमन और हार्डिन के परिवार के बारे में खुलासा शामिल है जो कि सभी युग के रिश्तों को खतरे में डालते हैं। और लुइस लॉर्बन और रॉबर्ट स्टेट साथ ही साथ कर्टन जेन क्रिस और मीरा सॉर्वियन सहायक भूमिकाओं में देखने को नजर आए हैं। इस मूवी के अंदर जो डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करते हुए नजर आए हैं कैस्टिन लेटर, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटिंग लिखी है सोरन चोलपी ने, साथ ही साथ ये आधारित है मुख्य रूप से आफ्टर बैक के जो पिछली कड़ी थी उसके साथ जॉन फिल ग्रिगॉट और बैन पीट एरन लेविट निकोस चार्टिस और साथ ही साथ जॉन डेकर मार्क कैप्टन आपको इस के एक तरह से प्रोडक्शन के अंदर आपको देखने को नजर आया है। इसके अंदर एक्ट्रेस की बात की जाए तो तकरीबन 6 से 7 एक्ट्रेस इसके अंदर है जो सिर्फ लैगी हीरो एडफिल टी फिर रॉबर्ट स्टेल एरियल कैलबन और कार्टन जेनफिल्स। इसमें सिनेमेटोग्राफी का जो काम संभाला है रॉबन सी क्लेवर जॉसविल ने, साथ ही साथ एक तरह से इसकी जो एडिटिंग की है गॉर्वन हेल्सी ने और म्यूजिक दिया है जॉस कैलिस ने। प्रोडक्शन कंपनी गोल्डन पिक्चर्स कैंपस मीडिया एथियल एंटरटेनमेंट वॉलपेड। उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है वोल्टेज पिक्चर्स और एरिया एक तरशी एंटरटेनमेंट घटना। साथ ही साथ इस मूवी की जो रिलीजिंग तारीख है उसके बारे में बात की जाए तो ऑफिशियल रूप से इसकी रिलीजिंग डेट जो निकल के आई है वो 1 सितंबर 2021 को यूरोप में इसे रिलीज किया गया था और 30 सितंबर 2021 में मुख्य रूप से इसे अमेरिका में रिलीज किया गया तकरीबन 29 या 30 दिन के गैप के बाद। जी हाँ दोस्तों, इसी के बाद इसकी लेंथ की बात की जाए तो लेंथ इस तकरीबन 99 मिनट है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे लॉन्च किया गया था। इसकी लैंग्वेज जो है वो ऑप्शन लोग से इंग्लिश बाहर निकल के आई है, मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे डब किया गया है। बॉक्स ऑफिस बहुत ही बेहद घटिया इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा। अब तक की जितनी भी पिक्चर आई उनमें से सबसे घटिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट करने वाली फिल्मों में ये थी इस सीक्वेंस की। 21.6 बिलियन की इसने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्राप्त किए। प्रिंसिपल फोटोग्राफी 2020 के अंत में सोफियन बुल्गेरियस में हुई। इसके सीक्वल आफ्टर एवर हैप्पी के साथ बैक टू बैक शूट किया गया और COVID-19 महामारी के दौरान शेड्यूल संघर्ष याद प्रतिनिधित्व के कारण कई पात्रों को फिर से तैयार किया गया। फिल्म को कई यूरोपीय देशों में 1 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 30 सितंबर वार्टिंग एंटरटेनमेंट और कैथोन इवेंट्स द्वारा रिलीज किया गया था। अपने पूर्वित की तरह इसी एक तरह से पटनांग और अभिनय के लिए आलोचनाओं के साथ इसे एक तरह से नकारात्मक समीक्षाएं मिली थी। हैव हेल्पी का बाद 2022 में रिलीज होने वाली जबकि पांचवी फिल्म का शीर्षक आफ्टर एवरिंग्स है वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन में है। साथ ही साथ संगला के मुख्य पात्रों को बच्चों के आसपास केंद्रित कर प्रीक्वल्स और आगे की सीक्वल्स भी विकसित किया गया है। साथ ही साथ इसके साथ इसकी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पर जल्दी हम एक एक करके सारे एक तरह से पार्टों पर डेफिनेटली वीडियो लेकर आने वाले हैं। जॉन फिन लैडफोर्ड जैस के रूप में, हार्टिन के रूप में, हीरो कैप स्टीव साथ ही साथ लुइस लॉम्बर्ट्रिज के रूप में, रॉबर्ट एस्टेन कैन के रूप में, एरियल कैलबन क्लिम्बर्स के रूप में, लैडर्स के रूप में पांच पैडर्स, साथ ही साथ प्रिंसन टंडन किरण के रूप में, नोरा के रूप में क्रिया माद्री, साथ ही साथ रॉबर्ट्स के रूप में कार्टन जैन क्रिस। प्रोडक्शन की बात की जाए तो आफ्टर बी फेल और इसके सीक्वल आफ्टर एवर हैप्पी के फिल्मांकन को 2020 में सोफियन और बुल्गेस में शुरू हुआ। COVID-19 महामारी के कारण अभिनेता बुल्गेस की यात्रा करने में सक्षम नहीं थे, ये वे पहले से ही अन्य परियोजनाओं से प्रतिबंधित थे। कैस्टिंग डेयर ने सोरेंस सोबरा द्वारा लिखित एक तरह से स्क्रिप्ट का प्रयोग करके फिल्म का निर्देशन किया। फिल्म का निर्माण जेनिफर गिबॉर्ड और बैन प्रीट और वॉटपैड के एरिक लेविट के रूप में दिया गया और कार्टन सोलवेंस ने किया था। इस सीरीज की जो रिलीजिंग तारीख हुई एक तरह से रिलीजिंग के बारे में जो अपडेट निकल कर बाहर आई है आफ्टर बी फेल्ड
1 सितंबर 2021 को कई यूरोपियन देशों में रिलीज की गई थी। इसी फिल्म ने जर्मन, रूस, स्पेन, नीदरलैंड और ब्रिटेन में अच्छा प्रदर्शन किया। दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस ने अपनी शुरुआती सप्ताह में मुख्य रूप से 9.2 मिलियन की औसतम कमाई की। इसने बोलिए इसके बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत की कुछ बॉक्स ऑफिस पर 50% की एक तरह से हासिल की, जो कि अच्छी फिल्म आफ्टर वी कोलाइड ने अपने शुरुआती सप्ताह में प्राप्त की। ये फिल्म 30 सितंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। चुनिंदा क्षेत्रों में ये 21 अक्टूबर 2021 को सीधा नेटफ्लिक्स पर जारी कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स पर यूएस में पहुंची। साथ ही साथ 17 जनवरी 2022 को नेटफ्लिक्स यूएसए पर पहुंची। यूनाइटेड किंगडम, इटली, फ्रांस में 22 अक्टूबर को सीधा अमेजोन प्राइम पर जारी की गई और साथ ही साथ 2021 के अंदर ऑफिशियल रूप से ये बन के रेडी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो आया इस फिल्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में 2.2 मिलियन और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में 19.4 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में लगभग 21.6 मिलियन की कमाई की। कनाडा में फिल्म ने 230 सिनेमाघरों में अपने 3 दिवसीय शुरुआती सप्ताह में 488.300 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती दिन में 2115,000 करोड़ एक तरह से डॉलर्स में इसने कमाई की। फिल्म ने अपने 3 दिवसीय शुरुआती सप्ताह के दौरान 31 अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नंबर पर जर्मन, स्पेन, रूस, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया के वैक्सीन में दूसरे स्थान पर आई। और इसकी जो रेटिंग है एक तरह से एग्रीड वेबसाइट और रेड टमाटोज ने 2.91 की इसे औसतम रेटिंग दी। साथ ही साथ बहुत अच्छा इसको रिस्पांस मिला। इसी के साथ ये लेकिन जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें ये सफल नहीं हो पाई। और साथ ही साथ है दोस्तों इसके जो अगला पार्ट है आफ्टर एवरी हैप्पी, जी हाँ दोस्तों ये जो आफ्टर एवरी हैप्पी है ये ऑफिशियल रूप से आपको 2022 में देखने को मिला। मुख्य रूप से इसके बारे में बात करते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें। यदि इनमें से किसी पर एक तरह से बहुत जल्दी वीडियो लानी हो, सेपरेट वीडियो लानी हो, तो आप कमेंट में जाकर इन चारों पांचों एक तरह से मूवीज का कमेंट कर सकते हैं। हम इनमें से किसी एक बेस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। साथ ही साथ उसकी और भी कई अपडेट की वीडियो बताने वाले हैं। कुछ देशों में स्पॉट एवर, साथ ही साथ आफ्टरवर्ड के रिलीजिंग के बाद 2022 की एक अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन सोरेन सोलबर्ग की स्क्रिप्ट से किया गया था। एन आर टोर के इस नाम के 2015 के उपन्यास पर आधारित है। ये आफ्टर वी फेल का सीक्वेंस है और आफ्टर फिल्म रिलीज में चौथी संगीत किस्त है। फिल्म ने जोसफियन फेल्ड और हीरो एल्फ्रेड टिफ ने जो कि क्रम से टैस यंग और हार्टिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। कन्नांग पिछले 3 फिल्मों के आधार पर जारी रखते हैं। इस मूवी का जो डायरेक्शन है वो कैटिन लेडन ने किया है। साथ ही साथ इसे लिखा है सोरेन सोलबर्ग ने। साथ ही साथ ये आधारित है एंटोन पर और आफ्टर हेल्प पर। और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन किया है जेनिफर गिव ग्रोड, बायन प्रिट ने, एरोन्स लेविट और निकोल चार्टियन। साथ ही साथ जॉनथन डेकर्स, कार्टन सोलमन, मार्क कैटर, साथ ही साथ अभिनेता इसके अंदर जोसेफ हेडफोर्ड और हीरो पैड क्रिस लुइस हॉर्बर्न, साथ ही साथ कार्टन जैक्सन, स्टीफन मेयर और साथ ही साथ और भी कई कलाकार देखने को नजर आए हैं। सिनेमेटोग्राफी का इसमें काम जो संभाला है रॉब ग्रिप्स और जोस रीज ने। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग जो की है वो मॉर्स हेल्से ने की है। इसमें म्यूजिक जॉर्ज कैल्सिस ने दिया है। प्रोडक्शन कंपनी कैलपर्स मीडिया और वॉलपेड। साथ ही साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है वोल्टेज पिक्चर्स ने। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग तारीख की बात की जाए तो 10 अगस्त 2022 को इसे लंदन में रिलीज किया गया और 7 सितंबर 2022 को इसे और अदर्स कंट्री में रिलीज किया गया। ये मुख्य रूप से कार्यकारी इसकी लेंथ की बात की जाए तो लगभग 95 मिनट इसकी लेंथ थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे ऑफिशियल रूप से रिलीज किया गया। भाषा इसकी इंग्लिश थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बेहद घटिया इसका प्रदर्शन रहा। अब तक की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं उन सबसे घटिया इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 18.8 मिलियन।
मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ आने यानी पिछले जो इसके जो चार एक तरह से पार्ट आ चुके हैं उनके बारे में, चारों के चारों बेहद घटिया। सबसे ज्यादा जो घटिया निकली है वो ये मूवी थी। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन यदि मैं बताऊँ 18.8 मिलियन, जो कि बहुत कम है कंपैरिजन के इसके पिछले तीन पार्ट से। और हाल ही में एक और नया पार्ट आने वाला है, लेकिन वो तहलका मचा सकता है। फिर भी देख लेते हैं कि कितना तहलका वो मचाएगा। उसकी रिलीज डेट अभी तक फिक्स नहीं की गई है, वो भी मैं आपको बताऊँ। एवर हैप्पी के बाद 10 अगस्त 2022 को लंदन में इसका विश्व प्रीमियर हुआ और 7 सितंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। अपने पूर्ववर्ती की तरह फिल्म को आलोचनाओं में नकारात्मक समीक्षा मिली और आफ्टर एवरी नामक पाज की स्तर वर्तमान में पोस्ट प्रोडक्शन में है, जबकि श्रृंखला के मुख्य पात्रों के बच्चों के आसपास केंद्रित एक प्रीक्वल्स और एक अतिरिक्त सीक्वेंस भी विकसित हुआ। क्रिस फेस द्वारा हार्डिन को बताया जाता है। इसकी स्क्रिप्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। वैसे ही तकरीबन 50 से 60 मिनट की वीडियो तो हो ही चुकी होगी, तो साथ ही साथ दोस्तों अभी थोड़ी और डिटेल बाकी है, इसलिए इस पर भी सेपरेट वीडियो ला दूंगा। यदि आप कमेंट करते हो जिस पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पार्ट पर सबसे पहला वीडियो आएगी। तो मुख्य रूप से टेसा यंग्स के रूप में जोल्फिन लेडफोर्ड आपको देखने को नजर आए थे। साथ और भी किरदार की बात की जाए तो लैडा ग्रिप्स के रूप में चार्ल्स पैडोस आपको देखने को नजर आए हैं। एरियल कैरपर्स के रूप में कैम्बियस के रूप में नजर आई है। साथ ही साथ रॉबर्ट क्रिस के रूप में कार्टन जैक्सन। साथ ही साथ प्रोडक्शन की बात की जाए तो 20 सितंबर को प्रोडक्शन चालू हुआ और आफ्टर एवर हैप्पी के एक फीचर फिल्म रूपांतरण को विकसित होने की घोषणा की गई। आफ्टर वी फेल्स के रूप में एक ही समय में विकसित फिल्मों की कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा निर्धारण करने के लिए घोषणा की गई। इसमें सोरेस सोरबैट एक स्क्रिप्ट राइटर लेखक के रूप में काम कर रहे हैं और जॉर्फिन लेड और हीरो फैट प्रिंस को क्रम से टैस यंग और आर्टिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिकाओं को पुनर्स्थापित करने की पुष्टि की गई थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो फिल्म आफ्टर वी कोलाइड की रिलीजिंग से पहले सितंबर 2020 में प्री प्रोडक्शन में प्रवेश कर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल फोटोग्राफी बैक टू बैक वाटर वी फिल्म्स के साथ हुई। साथ ही साथ दिसंबर 2021 में लुइस लोम्बर्ड और केन मार्दिन और जोस पैरट, साथ ही साथ कार्ट जैनकिन की पुष्टि की गई। उन्होंने पिछले फिल्मों में अपनी भूमिकाओं को दोहराया है। पहला टीजर ट्रेलर दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था। फोटोग्राफी गुरुगारी में हुई और दिसंबर 2020 में प्रोडक्शन बंद हो गया। लेदर ने कहा कि उपन्यास श्रृंखला लव का अर्थवेद विश्लेषण उसे उत्पादन में शामिल होने के लिए आकर्षित करती हैं और यह कहते हुए कि परियोजना को निर्देशित करते समय उसका इरादा यह दिखाया था कि रोमांस हैम सुंदर नहीं होता और उत्पादन के दौरान कलाकारों ने इस समय मुख्य रूप से एक साथ मिलकर काम किया और अधिक अलग थलग तरीके से होटल में रहे, जबकि कैमरा रोल्स नहीं कर सके और कोविड-19 महामारी के प्रतिबाधाओं को मुख्य रूप से फोर्ट कोर्स के कारण रोक दिया गया। साथ ही साथ इसकी रिलीजिंग के तारीख के बारे में हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले दो। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानना चालू करते हैं इसे। थोड़ी सी और डिटेल आने के बाद हम एक तरह से पूरी कंप्लीट करने वाले इस सीक्वेंस को जिसमें हम चल रहे हैं मुख्य रूप से। तो दोस्तों वीडियो को तो लाइक करना ही है, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ही है। तो दोस्तों फाइनली आफ्टर के कई एक तरह से पार्ट के हमने एक्सप्लेनेशन और डिटेल कई अपडेट मैंने आपको बता दी थी, साथ ही साथ कई एक तरह से नई अपडेट भी मैंने आपको बताई थी। और अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अगले पार्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पार्ट जो कि बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिले थे, साथ ही साथ कई एक तरह से अपडेट और भी है, वो एक एक कर एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर तो दिया है आपने, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आफ्टर एवरी हैप्पी, जी हाँ दोस्तों इस पर हम बात कर रहे थे और कई बेहतरीन अपडेट मैंने आपको बता दी थी। साथ ही साथ इसी के साथ इसकी मेकिंग और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस भी बहुत ही बढ़िया था, वो भी बताया मैंने आपको कितना बाहियात था यानी एक तरह से। और साथ ही साथ
इसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जाए तो सितंबर 2020 में आफ्टर एवर हैप्पी के फीचर फिल्म रूपांतरण को विकसित होने की घोषणा की गई और आफ्टर वी फेल्स के रूप में एक ही समय में विकसित फिल्मों को कास्टिंग डायरेक्टर द्वारा निर्देशित करने की घोषणा की गई, जिसमें सुरेश सोरबैन एक पटकथा लेखन के रूप में काम कर रहे थे और जेसन लैफोर्ड और हीरो एंडपेट्री को क्रम से टेसा यंग और हार्टिन स्कॉट के रूप में अपनी भूमिकाओं को पुनः स्थापित करने की पुष्टि की गई। फिल्म कार्ट वी क्रॉइड की रिलीजिंग से पहले सितंबर 2020 में प्री प्रोडक्शन में प्रवेश करती हैं। प्रिंसिपल फोटोग्राफी बे टू बैक आफ्टर वी हैप्पी के साथ दिसंबर 2021 में लुइस पॉट और चार्ल्स पेराडोस और साथ ही साथ कार्टन जेंसन की पुष्टि की गई। उनकी पिछली फिल्म अपनी भूमिकाओं को दोहराती हैं। पहला टीजर ट्रेलर सितंबर के अंदर 2021 में आया, साथ ही साथ फोटोग्राफी बुलियर में हुई। सितंबर 2020 में उत्पादन बंद हो गया और डैंथर ने अपनी उपन्यास श्रृंखला लव्स के अंदर से एक तरह से बताया था। साथ ही साथ दोस्तों इसकी रिलीजिंग के बारे में भी हमने कई अपडेट बता दी थी। साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मेन जिस मूवी के बारे में हमने इस वीडियो को बनाया था, साथ ही साथ इसका जो अगला पार्ट आपको देखने को मिलने वाला है एवरीथिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिलीजिंग तारीख अभी तक फिक्स नहीं की गई। ऑफिशियल रूप से ये आपको इस सन के अंदर 2023 के अंदर ही कंफर्म देखने को मिलेगी, लेकिन अभी कोई ट्रेलर टीजर या कोई अपडेट निकल कर बाहर नहीं आई है, इसलिए अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों अब इसी के एक तरह से डायरेक्टर के बारे में थोड़ी डिटेल हम जान लेते हैं, स्टारमिंग के बारे में भी जाने के साथ ही साथ कई अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दे। तो बात की जाए तो इस मूवी में सबसे पहला जो पार्ट आया था उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिली थी जोसेफ फैनफोर्ड। तो दोस्तों इनके बारे में हम डिटेल तो बताएंगे, क्योंकि जैसा ही हम इसके जो चौथा पार्ट था अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसमें ही इनकी ये सारी डिटेल कवर होने वाली है, इसलिए मेनली हम इनके बारे में जान लेते हैं और साथ ही साथ फिर अगले जो कैरेक्टर बचेंगे उन पे भी हम फोकस कर लेंगे। सबसे पहले जोसेफिन हैनफोर्ड के बारे में, इनके बारे में बात की जाए तो इनका जन्म 18 अगस्त 1987 को हुआ। एक ऑस्ट्रेलियन अभिनेत्री हैं। वे आफ्टर फिल्म रिलीजिंग में टेसा यंग के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने नेटफ्लिक्स फिल्म मोक्षी में एमा कैंडिन को भी चित्रित किया है, जबकि आगामी नेटफ्लिक्स रोम कैम द अदर जॉय और कैटिन फिल्म में ग्रिस एट नेट में जो मुख्य रूप से चित्रित की गई थी। इनके बारे में बात की जाए तो तकरीबन आज इनकी उम्र 18 अगस्त 1987 से तकरीबन आज 25 साल हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं, साथ ही साथ ये इस इंडस्ट्री में 2007 से अभी वर्तमान तक काम कर रही है। लैफोर्ड का जन्म पश्चिम एशिया में हुआ और पैथ में एक नदी के किनारे उपनगर एल्फोर्ड में उठाए गए। साथ ही साथ एक बच्चे के रूप में एल्फोर्ड को संगीत में रुचि हो गई और उन्होंने सैक्सोफोन और वायल और प्योल बजाया। उन्होंने बचपन में क्रिकेट भी खेला। 2008 में जब 10 साल की उम्र में लैफोर्ड ने एक संगीत प्रतियोगिता में सोडेस नामक एक गीत लिखा और प्रदर्शन किया, जिसमें उन्हें सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला। उन्होंने दो गीत लॉन्सी 2007 और सी शांति 2008 भी लिखा। साथ ही साथ लैफोर्ड ने 2012 में मुख्य रूप से 13 साल की उम्र में अभिनय की कक्षा लेना शुरू कर दिया और 14 साल की उम्र में वे सेक्स एंड 2013 और वर्ल्ड स्पेट 2013 और डिस्प्लेयर 2017 और कई लघु फिल्मों में दिखाई देने लगी। उन्होंने इंडी फिल्म पैल्स 2017 में अपनी शुरुआत की, जो कि फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई। उन्होंने उसी वर्ष अमेरिका में हॉरर फिल्म विश ऑफ एक सहायक अभिनेता के रूप में अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने अब तक अपने करियर में कई मूवीज एक तरह से दी चुकी हैं। साथ ही साथ इन्होंने 2017 में ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला भूल क्रिप का टेलीविजन पर अपना शुरुआत किया। जुलाई 2018 में लैफोर्ड को उन्हें ब्रॉन द्वारा लिखे गए उसी नाम के 2014 के नई अवश्य कथा उपन्यास पर आधारित फिल्म आफ्टर में टेस यंग के रूप में लिया गया। फिल्म का प्रीमियम 2019 में हुआ और इसे दुनिया भर में 69.7 बिलियन बार एक तरह से देखा गया और तकरीबन
80 मिलियन की कमाई की। इन्होंने टेस्ट के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए 3 स्वर्ण अवार्ड जीता। जोसेफ लैडफोर्ड ने सीक्वल आफ्टर वी कोराइड में भूमिका दोहराई जो कि सितंबर 2020 में रिलीज हुई थी। 2019 में लैडफोर्ड एम अमेरिकन हॉरर एंथोलॉजी और वेब टेलीविजन श्रृंखला में दिखाई दी और अंधेरे क्लोर के रूप में नवंबर 2019 में लैडफोर्ड और नेटफ्लिक्स प्लेयर के रूप में नवंबर 2019 में हैकक्रॉप को नेटफ्लिक्स प्लम बॉक्सी में एक एम्पा कैंडिडेट के रूप में लिया गया और डेनियल मैराथन द्वारा लिखे गए उसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी फिल्मोग्राफी विश्व ओपन 2017, जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त थी। साथ ही साथ 2019 में आफ्टर, 2020 में आफ्टर बी कोलाइड, साथ ही साथ मैक्सी मुख्य रूप से 2021 में और आफ्टर बी फैल द ग्रेट गोस्ट इन लीप फेड 2021 इनका पहला साल था जब इन्हें तकरीबन 3 मूवीज मिली। साथ ही साथ 2022 में 2 मूवीज में ये देखने को मिली गीगी एस नेट, साथ ही साथ आफ्टर एवरी हैप्पी, साथ ही साथ अपकमिंग मूवीज 2 इनकी आफ्टर एवरीथिंग और द अदर जो इससे आपको देखने को मिलने वाली है जो कि एक तरह से शूटिंग में चल रही है। और आफ्टर एवरीथिंग के बारे में बात की जाए तो पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, यानी पोस्ट प्रोडक्शन एक मूवी का वो पार्ट होता है जिसके अंदर इसकी एडिटिंग से साथ वीएफएक्स पे काम किया जाता है। तो तकरीबन मैं आपको बता दूं 1-2 महीने के अंदर ही इस मूवी का जो ट्रेलर है वो आपको देखने को मिलने वाला है। जिस हिसाब से इस मूवी के रिलीजिंग डेट अपडेट निकल कर आ रही है वो जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को तो लाइक करना ही है, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी रिलीजिंग की तारीख की बात की जाए तो ये आपको मार्च यानी मार्च के अंदर आपको ये पिछले साल देखने को मिली थी और इसी के साथ इस मार्च को तो ये आपको देखने कुछ नहीं मिला, लेकिन ये तकरीबन अगस्त या सितंबर में ऑफिशियल रूप से आपको ये सिनेमा हॉल में देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ इसके जो मल्टीपल जो पार्ट्स थे वो सारे के सारे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। यदि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो मैंने नीचे एक लिंक दे दिया है, यदि उस लिंक से लेते हो तो आप 25-30% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो उस लिंक का यूज़ कीजिए और अपने 25-30% पैसे बचाइए। साथ ही साथ दोस्तों और आपको और भी किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगू कन्नड़ कोई भी लैंग्वेज में हो, आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में आकर उसे सीरीज या मूवी का नाम लिख देना है, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब साथ ही साथ दोस्तों अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना आफ्टर एवरीथिंग के बारे में, इसकी जितनी भी डिटेल थी 2030 में आपको ये देखने को मिलने वाली है सारी की सारी मैंने आपको बताई है, प्री प्रोडक्शन में चल रही है, साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बताया, एक्टर्स के बारे में बताया। और यदि आप चाहते हो इसके जो पिछले 4 पार्ट हैं उनमें से किसी पार्ट पर वीडियो तो आप नीचे कमेंट कर दें, जिस भी पार्ट के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी हम उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज हमने 4 पार्टों का एक तरह से कवर कर लिया है, सारे के सारे अपडेट बता दिए, जैसे ये 2030 में रिलीज होती है आफ्टर एवरीथिंग, इस मूवी के बारे में सारी की सारी अपडेट मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।